Hi, welcome to PLP Advisory Services. My name is Anil Verma and today in this video, I am going to talk about Krisumi City that is located in Sector 36A, which has direct access from Dwarka Expressway as well as from CPR, which is called Central Peripheral Road. If we talk about Krisumi City, it is spread over 65 acres of land, जिसमें से कि 15 acres has been sold to Max Real Estate. जो total आपका Krisumi City है वो 50 acres में पड़ता है. 50 acres में से 5.64 acre में 2019 के end में इन्होंने Waterfall Residences project को launch किया था, which is spread over 5.6 acres of land area, जिसमें आपको 3 towers मिलते हैं, high rise towers है, जिसमें आपको 2LDK, 3LDK और 4LDK के options मिलते हैं. 2LDK में आपको जो variations है वो काफी अच्छा मिलता है. 2LDK का जो साइज है वो आपका स्टार्ट होता है 1440 स्क्वायर फीट से, विच गोज अप टू 2500 स्क्वायर फीट. 3BHK की बात करूं, जिसको कि 3LDK का कॉन्सेप्ट निकाला है इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें आपको 2500 स्क्वायर फीट का साइज मिलता है. 4BHK की मैं बात करता हूं तो वो आपका पेंट हाउसेज हैं. ऑलमोस्ट इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी है वाटरफॉल रेसिडेंसेस के अंदर, फिर भी उसमें आपको 2LDK के और 3LDK के कुछ ऑप्शंस बचते हैं, साथ ही साथ उसमें पेंट हाउसेज के ऑप्शंस भी बचते हैं. तो उसमें अगर आप चाहो तो हमें हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. अब मैं बात करता हूँ Krisumi के बारे में कि Krisumi का बैकग्राउंड क्या है. Krisumi एक्चुअल में दो ग्रुप का कॉम्बिनेशन है. एक है कृष्णा ग्रुप, जो कि इंडिया की कंपनी है, मारुति के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया के अंदर. उसके साथ साथ बहुत सारे वर्टिकल्स के अंदर काफ़ी अच्छा नाम है इनका. और सुमिटोमो, जो कि जैपनीज कंपनी है, फॉर्चून 500 की कंपनी है ये, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है. जिस तरह से इंडिया के अंदर टाटा का रेपुटेशन माना जाता है, उसी तरह से ही सुमिटोमो को जापान के अंदर देखा जाता है. एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 300 से ज़्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डिलीवर कर चुकी है. बहुत सी कंट्रीज के अंदर लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनी है अगर वर्ल्ड वाइड हम इसको कंसिडर करें. तो इन दो ग्रुप का कॉम्बिनेशन है Krisumi. तो Krisumi पहली बार यहाँ पे जो ये 60 एकड़ का लैंड बैंक है, जो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, वो यहाँ पे दोनों मर्जर होके यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट निकाला है. अगर मैं बात करता हूँ लोकेशन की, जो 36A लोकेशन है आपकी, CPR और द्वारका एक्सप्रेसवे से इसका डायरेक्ट एक्सेस पड़ता है. और अगर मैं पर्टिकुलरली Krisumi सिटी के पैच की बात करूँ, तो जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी वाला पैच था, वो 15 एकड़ का जो लैंड बैंक है वो इन्होंने सोल्ड आउट किया है मैक्स रियल एस्टेट को. तो वो भी वहाँ पे अपना हाई एंड रेजिडेंशियल लेके आएंगे. तो जो एंट्री बचती है आपको Krisumi सिटी के लिए, वो आपकी टोटली एंट्री जो रहेगी वो CPR के थ्रू रहेगी. और सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके जितने भी फेजेस आएंगे, अभी तक जो इनका है जैसे वाटरफॉल रेसिडेंसेस है, उसके लिए भी जो 6 एकड़ का जो लैंड बैंक है उसकी बिल्कुल सेपरेट एंट्री रहेगी उस प्रोजेक्ट के लिए, जो आपकी CPR के थ्रू रहेगी. और जो उसका क्लब हाउस है वो भी सेपरेट ही है पर्टिकुलरली उसी टाउनशिप के लिए. इसके साथ साथ ही अप्रैल के अंदर ही Krisumi ग्रुप इज गोइंग टू लॉन्च हाई एंड सर्विस अपार्टमेंट्स, जिसमें आपका जो टोटल लैंड बैंक एरिया है वो 2.6 एकर्स है. उसमें आपका एक इंडिपेंडेंट टावर होगा, G+34 फ्लोर की इसमें हाइट रहेगी. इसमें आपको 1LDK के ऑप्शन मिलते हैं. पर फ्लोर आपको इसमें 10 अपार्टमेंट्स मिलते हैं. और अगर इसमें मैं साइजेस की बात करता हूँ, साइजेस के वेरिएशंस की बात करता हूँ, तो इसमें आपका 925 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट तक का साइज रहेगा. इसमें जो कॉर्नर के आपके स्टूडियो अपार्टमेंट्स होंगे उनके साइजेस जो है कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े रहेंगे. और उसमें आपको 2 साइड फेसिंग भी मिलती है. Krisumi सिटी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो आपका टाटा है, विच इज नोन फॉर यू नो क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स. तो अगर मैं Krisumi सिटी के आर्किटेक्ट की बात करूं कि जिन्होंने डिजाइन किया है, तो जापान की नंबर वन कंपनी है निकेन सेकी करके, उन्होंने इस एंटायर सिटी को डिजाइन किया है. तो कुल मिला के जो इस प्रोडक्ट के अंदर, इस सिटी के अंदर जितने भी कोलैबोरेशन हुए हैं,
चाहे वो आपके आर्किटेक्ट्स हो, चाहे आपके कंस्ट्रक्शन पार्टनर हो, चाहे आपका डेवलपर हो, सारे ए ग्रेड नाम है जो कि एंश्योर करते हैं कि जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो आपका ए ग्रेड है। इसी के साथ साथ जो ये सर्विस अपार्टमेंट हैं इसमें अभी EOIs उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। लॉन्च होने से पहले ही आजकल हो क्या रहा है कि मैक्सिमम जितने भी अच्छे मार्केट के अंदर नाम है, चाहे वो DLF हो, चाहे वो प्रीसूमी हो, चाहे इसी तरह के जो बड़े नाम है, उसमें हो क्या रहा है कि लॉन्च होने से पहले ही आपके EOIs एक्स्ट्रा आ जाते हैं। EOIs का फायदा क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका एक प्रायोरिटी नंबर जनरेट किया जाता है जिसके थ्रू आपकी क्या प्रेफरेंस है, फ्लोर प्रेफरेंस क्या है, फेसिंग प्रेफरेंस क्या है, वो कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में आती है। और साथ ही साथ आपको प्राइस का बेनिफिट भी मिलता है। आज के डेट में बिल्डर भी क्या करता है कि फॉर सम यूनिट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट के लिए, 50 यूनिट के लिए एक स्पेशल प्राइस रखता है, सो दैट के जो इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टर या बायर एंड यूजर जो भी एंटर होता है उस प्रोडक्ट के अंदर, उसको एक स्पेशल कंसिडरेशन करके एक स्पेशल प्राइस दिया जाता है। तो EOIs इसके स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस स्टूडियो अपार्टमेंट तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। क्रिसोमी बींग अ जैपनीज कंपनी, इनके जैपनीज टेनेंट के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है और बहुत अभी से ही बहुत से टेनेंट्स के साथ इन्होंने बात शुरू कर दी है और LOI के स्टेज तक ये पहुंच चुके हैं। और जो इनका रेंटल एक्सपेक्टेशन है उस प्रॉपर्टी के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपका 80 रुपीज से लेकर 85 रुपीज पर स्क्वायर फिट के आसपास है। इसी सर्विस अपार्टमेंट के टावर में आपको 18,000 स्क्वायर फिट का एक सेपरेट क्लब हाउस भी मिलेगा, दैट विल बी लोडेड विद ऑल द वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज, और जो स्पेसिफिकली इन सर्विस अपार्टमेंट के लिए ही होगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे आपको ट्रीज प्लांट करके मिलेंगे वो आपका कहीं ना कहीं इंडियन और फॉरेन ट्रीज का मिक्सचर होगा, सो दैट के आपको एक कंप्लीट एम्बियंस, अलग तरह का एम्बियंस देने की कोशिश की जा रही है, जहां पर आपको इंडो वेस्टर्न तरह का एम्बियंस देने की कोशिश की जा रही है। और जो एंट्रेंस रहेगी इस सर्विस अपार्टमेंट के अंदर वो आपकी CPR के थ्रू ही रहेगी। अब मैं बात करता हूँ कि क्रिसोमी के जो सर्विस अपार्टमेंट्स हैं या जो वाटरफॉल रेसिडेंसेज है, अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एंटर करते हो तो ये आपके लिए क्यों ज्यादा एप्रिशिएबल है कंपेयर टू अदर लोकेशंस ऑफ गुड़गांव। सबसे पहली जो पॉइंट है वो है क्लोवर लीफ, विच इज अ मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग इन द रिसेंट टाइम। तो एज पर न्यूज़पेपर जो न्यूज छपी है, अकॉर्डिंग टू दैट 20 से 25 मई तक आपका जो क्लोवर लीफ है वो ऑपरेशनल हो जाएगा, जो कि आपके SPR को डायरेक्टली CPR के थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे भी बिल्कुल साथ में ही है, वहां से भी आपको एक्सेस मिलता है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक बहुत ही बड़ी लोकेशन है जहां पे आपके प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट है इस लोकेशन का पर्टिकुलरली, वो है बिल्कुल इसके साथ में लगने वाली 1100 एकड़ में फैली हुई ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी के ऊपर मैं एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें बस आपको थोड़ा सा जिस्ट दे रहा हूँ। जो 1100 एकड़ की ये ग्लोबल सिटी है, HSIIDC जो कि आपकी स्टेट स्टेट ओन्ड मशीनरी है, उसके अंदर ये आपके पूरे का पूरा 1100 एकड़ का ये लैंड बैंक आता है, जिसमें आपका मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट होगा, जिसमें आपको कमर्शियल भी होगा, हाई एंड हाई राइज रेजिडेंशियल भी होगा, इंस्टीट्यूशनल भी होगा, और इसमें बहुत ही अलग लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसको मैं अलग वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो ग्लोबल सिटी एक ऐसी लोकेशन है जो कि जहां पर आपका एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि जो HSIIDC है उसने बहुत से जो बड़े नाम है रियल स्टेट इंडिया के अंदर उनको इनवाइट किया है और उन्होंने जाके वहाँ पे टेंडर भी भरे हैं। तो मानना ये जा रहा है कि वहाँ पे जो रियल स्टेट इंडिया के अंदर जो बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े जो नाम है, वो वहाँ पे लैंड पार्सल को ओन करेंगे और बहुत ही हाई एंड लेवल के टाउनशिप्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट, ऑफिस स्पेस वहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो इस तरह की सिटी, इस तरह का 1100 एकड़ का पार्सल अगर आपके क्रिसुमी के साथ में लगता है तो डेफिनेटली वहां पे जो आपका एम्बियंस होगा, डेफिनेटली वहां पे जो आपका क्राउड होगा वो एक बहुत ही एलीट लेवल का होगा, जो कि आपकी प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन को 100% एंश्योर करता है। और अगर मैं CPR के जस्ट अपोजिट की बात करूं, जहां से आपकी एंट्रेंस होगी क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंसीज के लिए और सर्विस अपार्टमेंट के लिए, उसके जस्ट अपोजिट में आपको 220 एकड़ का ग्रीन जोन मिलता है और साथ ही साथ आपको 50 मीटर की ग्रेन बेल्ट भी मिलती है।
और इसके साथ साथ ही सीपीआर के अपोजिट में सेक्टर 84 में ही आपको हेलीपोर्ट की फैसिलिटीज भी मिलेगी, जो कि एक एडिड फीचर है। जिस तरह के आपके जो डिग्नेटरीज होंगे, जो भी आपका डिप्लोमेट्स होंगे, जो कि आने वाले टाइम में स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर रहना यू नो प्रेफर करेंगे, तो उनके लिए एक एडिड फीचर ये बन जाता है। तो ये हो गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि एंश्योर करते हैं कि इफ़ यू यू नो इन्वेस्ट इनटू क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंसेज और देयर अपकमिंग सर्विस अपार्टमेंट्स, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे लेवल का एप्रिसिएशन वहाँ पे मिलेगा। सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स इन दिस वीडियो। इसके अलावा मैं सेपरेट वीडियो भी डेफिनेटली बनाऊंगा, सर्विस अपार्टमेंट के अलग से बनाऊंगा, ग्लोबल सिटी की भी बनाऊंगा, बट एक जिस्ट जो आपको देना था वो मैंने लगता है इस वीडियो में पूरा दे दिया है। उसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग वाटरफॉल रेसिडेंसेज, जिसमें आपको 2, 3 और 4 बीएचके के ऑप्शंस मिलते हैं, और इफ यू वांट टू गो फॉर यू नो सर्विस अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको कहीं ना कहीं 7 से 8% की एक आरओआई मिलती है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन काफी अच्छा मिलता है, तो उसके लिए एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ईवाई स्टार्ट हो गए हैं। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर विच इज मैंशनड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। So it was all about Krisumi City. If you have any query, just call us. Thank you very much for your time.